सीमा ये देख, ये कितने अच्छा रंग है ना, बहुत जबरदस्त है। और इसका वो जो दुकानदार है ना, वो इससे भी ज्यादा मस्त है। देखना शर्मा क्यों रही है, लो। अच्छा सुन, तेरी और सचिन की शादी को 5 वर्ष बीत गए, कोई आया इंटरव्यू लेने, कोई टीवी वाला या कोई सोशल मीडिया से? अरे कोई नहीं आया, मेरी मिथिलेश, मेरी सखी, मेरी सहेली, मेरी मेथी। हाँ, वो मेरे पाकिस्तान वाला बावला हस्बैंड जो है ना, उसका मैसेज जरूर आया था। मुझे बोला, सीमा पाकिस्तान के हालात तो हमेशा की तरह खराब ही हैं, तू मुझे इंडिया बुला ले, भले मुझे भैया बना दे और राखी भी बांध दे। बच्चों की बड़ी याद आती है। और एक ये सचिन लप्पू मुझे विश भी नहीं किया हमारी शादी की 5वीं सालगिरह पे। अब तू इसको सचिन लप्पू बोल रही है, और एक जमाना था जब मैं इसे लप्पू बोलती थी तो तू कितना गुस्सा करती थी मुझसे, याद है ना? पता है मेथी, 5 साल बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मर्द चाहे पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का, होता चूतिया और लप्पू ही है। ना उसमें कोई दम था और ना इस सचिन में। काश मैं अपना मन किसी काम धंधे में लगा लेती तो आज मैं भी 2 या 4 कारखानों की मालकिन बनी होती। और मुझे क्या मिला? पाकिस्तान से लाए हुए मेरे 4 बच्चे और 3 इस लप्पू के। मम्मी मम्मी, पोटी आई है मम्मी। ये गूं और मूत उठाते उठाते ये सीमा, सीमा की जवानी चली गई है, और ये हरामी सोशल मीडिया वाले जो पहले पल पल की खबर लेने के लिए यहां मरे रहते थे। कल मैंने एक न्यूज एंकर को कॉल की और मैंने कहा, मैं वही सीमा हैदर बात कर रही हूं जो आज से 5 साल पहले आपके सोशल मीडिया पे कयामत मचा रही थी। तो वो भड़वा हरामी मुझे पता क्या बोला? आई एम सॉरी मैडम, मुझे तो 5 दिन पुरानी बात नहीं याद और आप 5 साल की बात करती हो। ये सचिन कहाँ है? नर्क में होगा वह हरामी। पता है मेथी, अगर मुझे हमेश रेशमिया भी मिला होता ना, तो मैं सब्र कर लेती। ये जो पबजी वाले हैं ना, फिटकार हो इन पे भगवान की। अच्छा सीमा सुन, हम राधा टाकीज चलते हैं गदर 3 देखने, और वहां पे शाहरुख खान की फिल्म का ट्रेलर भी आया हुआ है। और पता है शाहरुख खान के साथ हीरोइन कौन आ रही है? ऐश्वर्या की बेटी राध्या। ना बाबा, मैं नहीं जाती उस अनिल शर्मा के झिंगुर और लप्पू जैसे बेटे की फिल्म देखने के लिए। मुझे तो उसका नाम भी याद नहीं। फिल्म हिट हुई है तो क्या हुआ? अच्छा मेरी बात सुन, ये तेरी जिंदगी पे जो फिल्म बनने जा रही थी उसका बता क्या बना? अरे हमने तो भाई एक ट्रेंड बनाया था और बाद में लोगों ने इसको कॉपी करना शुरू कर दिया, और अब तो हर दूसरे दिन कोई लड़की पाकिस्तान से भारत और यहां से पाकिस्तान जा रही है। प्रोड्यूसर ने कहा कि हमें नहीं चाहिए ऐसे घिसे पिटे टॉपिक, हम नहीं बना सकते इस पे फिल्म, ऐसी फिल्म देखने तो कोई कुत्ता भी ना आए। मम्मी पोटी जुला दो, मम्मी पोटी जुला अरे दो। पॉटी की है ना, कोई पीएचडी तो नहीं कर ली हराम के पिल्ले। अरे अच्छा चल गुस्सा ना कर, ये ले ये खा, ये खा ले ले ले। पता है मेथी, मैं तो अब इंडिया में भी घबरा गई हूं। मैं जब सुबह उठ के टीवी चालू करती हूं ना, तो कोई भी ढंग का प्रोग्राम नहीं आता। मैं सोचती हूं अपना ही प्रोग्राम बनाना शुरू कर दूं। ए तू वो करना मिमिक्री, तू कितनी कमाल मिमिक्री करती है। वो क्या नाम है उसका, जिया बच्चन, और फिर वो राखी सावंत। अच्छा तू मुझे ना अभी जिया बच्चन की मिमिक्री करके दिखा, ए दिखा ना, ए दिखा ना सीमा। ये कोई जगह है? ये कोई जगह है ये बात करने का? तुम कौन से चैनल से आया?
वैसे मैं पाकिस्तान में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की भी नकल किया करती थी। एक दफा मैं पीपीपी के जलसे में गई, वहां लोगों ने मुझे स्टेज पे भेज दिया। मैं बन गई बेनजीर। मेरी बहनों, भाइयों, किसानों, मजदूरों और जेहालों सबने बहुत शाबाशी दी। और अगर कहो तो मैं लता भी बन सकती हूँ। हाँ, मजाक नहीं करना, पहले गाना फिर हंसना। तू ना ये टिकटॉक वगैरह छोड़, तू यही कर, तू बहुत जबरदस्त करती है। अरे वो सचिन जलता है ना मुझसे, मर्द कभी नहीं देख सकता कि उसकी पत्नी उसे दो कदम आगे चले। ए मिति सुन, जब मैं यहां आई थी तो हर इंडियन मर्द मेरे कान में कहा करता था, भाभी जी आपने इस लल्लू से क्यों शादी कर ली, हमसे शादी कर लेती। हाय काश, मगर भाई हम पे तो इश्क का भूत सवार था इस लल्लू सचिन का। तभी तो मैं उस सचिन को लप्पू और झिंगुर कहती थी। मेथी, ये आइंदा आने वाले 10 वर्ष तक मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहने वाले हैं ना, कितना अच्छा होता ना अगर वो अपनी महिला कमेटी के सदस्य बना लेते हमको। पहले तो हमें बहुत पूछा करते थे और हमने भी कराची के स्पेशल गुटके का ये बड़ा शॉपर उन्हें भेजा था, और वो जो लड़की वहां से भाग के आई थी ना उसी के हाथों तो भेजा था। उन्होंने हमारा बहुत शुक्रिया अदा किया था। और ये सचिन ये कहने लगा, तुमने उनका शुक्रिया वसूल क्यों किया, तुम उनसे कच्ची शराब का टैंकर मांग सकती थी भड़वा। ए इस सचिन का नाम ना लिया कर मेरे सामने। 5 साल गुजर गए मगर ये लप्पू सचिन ना बदला। ए सीमा मेरी बात सुन, अगर मैं बाहर होती तो मैं करोड़पति होती, और ये लप्पू और झिंगुर नाम को ना मैं रजिस्टर करवा देती, और फिर अगर कोई गलत इस्तेमाल करता इनका तो कॉपीराइट्स वाले इनको नोटिस भिजवाते और पैसे ढीले होते लोगों के। वैसे मेथी जी, जब तूने देखा कि सीमा पूरे हिंदुस्तान में हिट हो गई है तो तू इन झिंगुर और लप्पू को ले आई मैदान में मेरा हक मानने। सीमा छोड़ना ये सब, अब इन बातों में क्या रखा है, अब तो तू और मैं सखी सहेली बन गए हैं ना। वैसे मैंने सुना है कि वो टाइगर 5 आ रही है ना, उसमें कटरीना कैफ सलमान खान की मां की भूमिका निभा रही है। हे राम।